फैमिली प्रॉब्लम में इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम। थोड़ा सा जोर से बोलें और आप रिसीवर अपने मुंह के करीब करें। जी बोले। मेरे पास थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परवेज। परवेज भाई, उम्र कितनी है? 34। वजन कितने? 72 किलो। कहाँ से कॉल किए? ये डंस्टेबल जी। डंस्टेबल चले। अब ये बताएं कि सवाल क्या है। अच्छा, मेरे पास फैमिली प्रॉब्लम है, बहुत ही स्टक सिचुएशन है, और थोड़ा सा मदद करो। मेरे बीवी उसको छोड़ गई है। मेरे पास क्यों छोड़ गई आपको? आप लड़ते थे उनसे? जा जा। आप क्यों लड़ते थे उनसे? मैं उसको मुंह में थप्पड़ मारी है। बहुत बुरी बात है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो आपका गुस्सा बहुत आता है? जा जा जा। गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, ये बताएं कि आपको कब्ज रहती है? क्या? कॉन्स्टिपेशन रहती है आपको? जी हाँ, बहुत सख्त। अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। बच्चे भी लेकर चलेगी? जी हाँ। चलो, मैं जिक्र करता हूँ। बाकी आपको कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ आपका? थोड़ा डिप्रेशन आ रहा था। डिप्रेशन कितना अरसे से था? 2 मंथ। अच्छा, तो डिप्रेशन के लिए क्या ले रहे हैं? इंजेक्शन लगा रहे हैं या आपको या गोलियां दे रहे हैं? गोलियां, ये पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन। अच्छा, डिप्रेशन हो गया था तो फिर उसके बाद तकरीबन ये डिप्रेशन को 3 महीने हो गए? 3 महीने। अल्लाह पाक आपको शिफाई कुली नसीब। नमाज पढ़ते हैं आप? जा जा। नमाज की पाबंदी करें और जब भी ज्यादा आपको टेंशन हो तो कुरान करीम खोल कर पढ़ा करें, ठीक है? मैं इंशाल्लाह आपके लिए जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह प्रोग्राम में। परवेज भाई हैं, इनकी उम्र जो है वो 34 है और 72 केजी इनका वजन है। फैमिली प्रॉब्लम में इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से इनकी फैमिली जो इनकी घरवाली जो है इनको छोड़कर चले गई हैं। इनको डिप्रेशन भी है और गोलियां भी ले रहे हैं तकरीबन 3 महीने से। तो फैमिली प्रॉब्लम के लिए भी कुछ बताया जाए और इसके साथ साथ इनको डिप्रेशन के लिए भी। देखें, एक तो ये है कि आप सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें पाबंदी के साथ। इसके अलावा रोज़ाना हदीस मुबारक में है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। ये अल्लाह के खजानों में से, अल्लाह के अर्श के खजानों में से एक खजाना है। तो सुबहान अल्लाह, इसके अंदर लिखा है कि ये 99 परेशानियों और बीमारियों का इसमें हल और इसमें इलाज मौजूद है। तो रोज़ाना पाबंदी के साथ आपने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला वो जो है 100 मरतबा एक तस्बीह आपने लाजमी तौर पर पढ़नी है। इसी तरीके से आपने इस्तिगफार करना है, इस्तिगफार भी एक तस्बीह पढ़नी है। ये पाबंदी के साथ एक काम करें और इसी तरह दुरूद शरीफ भी जो है वो भी 100 मरतबा पढ़ें। तो ये 3 काम आप पाबंदी से करें, दुरूद शरीफ एक तस्बीह, इस्तिगफार एक तस्बीह और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला एक तस्बीह। इसके साथ साथ आप क्या करें कि गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए आप ये दुआ पढ़ा करें जो सूरह यासीन शरीफ के अंदर है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये जो 3 तस्बीह ये पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हर फर्द नमाज के बाद 11 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम अपने ऊपर पढ़कर अपने ऊपर फूंक दें और पानी पर दम करके इस पानी को पी लिया करें। और बाकी अल्लाह से रातों को उठकर मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़ौजा के दिल में रहम दिली पैदा फरमाए और वो लौट आए। और आपको जो डिप्रेशन हो चुका है, डिप्रेशन के लिए आप क्या करें कि एक तो ये कि सुबह के वक्त में आबे जमजम पिया करें और उसके अंदर थोड़ा सा अरके गुलाब डाल दिया करें। अरके गुलाब जो है वो मिल जाता है, अरके गुलाब लेकर जो है वो उसको पी लिया करें। इसके साथ साथ आप क्या करें कि जब भी आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो हदीस मुबारक में ये है कि अपनी जगह को चेंज कर लें। ये तो पानी पी लें या फिर जगह को चेंज कर लें तो इससे क्या होगा, गुस्से में कंट्रोल हो जाता है। दूसरा काम ये करें कि आप कुरान करीम की एक आयत है,
वल काज़िमी, शायद आपसे वो मुश्किल हो जाए, तो आप या सलामु सल्लिमनी पढ़ा करें, या सलामु सल्लिमनी, जब भी गुस्सा बहुत ज्यादा आए या सलामु सल्लिमनी ये पढ़ते रहें। और इसके साथ साथ रात को सोने से पहले आप जो है वो एक टी स्पून पाउडर जो है मेथी दाने का वो खा लिया करें पानी के साथ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस तकलीफ को इंशाल्लाह दूर फरमाएंगे। और जब भी नमाज पढ़ें सजदा लंबा किया करें। सजदा जो है ना ये सुभान अल्लाह, नमाज और साइंस के ऊपर तहकीक की गई कि सजदा जो है डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि जब इंसान सजदा करता है तो हमारे जो दिमाग का कनेक्शन जमीन के साथ जब जुड़ता है तो उसके अंदर एक सुभान अल्लाह एक खास जो है वो तवानाई जो है अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। ये भी एक सूफिया का अपना तरीका है और इसके ऊपर जो है मुराकबे की कैफियत भी लिखी है। बहरहाल वो फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा।